ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जाने से पहले जानेंगे आइडेंटिटीज क्या होती है। आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज क्या होती है। आइडेंटिटीज हम लोगों ने क्लास सिक्स, क्लास सेवन्थ, क्लास एट्थ में पढ़ रखा है। जैसे ये आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, डेट करके सब आइडेंटिटीज हैं, ए और बी की आइडेंटिटीज हैं। तो इसमें ए की वैल्यू क्या रखोगे, कुछ भी रख दो, समथिंग में रख दो, और बी की वैल्यू में कुछ भी रख दो। तो क्या इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो अर्थ वैलिड रहेगा। जैसे इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। इसमें अगर ए की वैल्यू रख लो ए बराबर तीन और बी बराबर चार, देखो तो 3 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 9 और 4 4 16, 3 2 6, 6 2 24, 6 4 24, 25 और 24 ऐड करेंगे 49, और 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो क्या हो गया, आइडेंटिटीज हो गए ना, कि इसका फॉर्मूला ये यूज कर रहा है तो इसके बराबर आ रहा है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में होता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन एंगल। जैसे साइन की कोई होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब की कोई आइडेंटिटीज होगी। आपके सिलेबस में 3 आइडेंटिटीज हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर डी सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो आइडेंटिटीज देखो कैसे होगा। आइडेंटिटीज ठीक है, पहली आइडेंटिटी देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्या, कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो ये ट्रायंगल कोई है, इसमें ए बी सी ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये क्या है थीटा, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने थीटा, ये है एडजेसेंट साइड, इसी को ये बोलते हैं क्या बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 1 इंटू h² लिखा है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ये लिखा हुआ। अब एलएचएस वाले को आरएचएस साइड लिया, मतलब यहाँ लिखा रहा है 1 इज इक्वल टू p² + b² होल स्क्वायर, क्या कर दो h² कर दो, ठीक है। देखो 1 इज इक्वल टू p² / h² + b² / में h² समझ में आया कुछ। अब देखो p² / h² क्या होता है, p² / h² क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और देख लो, ये लिखा है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। हमने बताया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन में क्या होता है पी अपॉन एच, और कॉस में क्या होता है बी अपॉन एच, पी अपॉन एच साइन बी अपॉन एच कॉस। तो पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई, क्या पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई, पहली आइडेंटिटी प्रूव क्या बता रही है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब इसी आइडेंटिटी से बाकी दोनों आइडेंटिटी को भी निकालेंगे। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में देखो पहले आइडेंटिटी में क्या निकाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने निकाली क्या पहली आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में एलएचएस साइड और आरएचएस साइड में क्या डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, दोनों साइड क्या कर दो, कॉस का थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा
एलएचएस में भी कॉस स्क्वायर थीटा से। अब देखो ये बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बगल में क्या बन रहा है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, ये बन गया टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा का होल स्क्वायर। आया समझ में, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो, नेक्स्ट वाले में भी यही ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, उसमें साइन से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। डिवाइडिंग क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, ठीक है, तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन अपॉन साइन कट जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर। ये रिलेशन देखो क्या बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ आया। तीसरा क्या बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तीनों आइडेंटिटीज लिखता हूँ, पहले पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या क्या तीनों आइडेंटिटीज को क्या करना, लर्न कर लीजिए, ठीक है। पहली आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 पर टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेकेंड टर्म ऑफ साइन ए। कॉस ए टेन ए सेके को किसमें करना है, साइन ए के टर्म में, तो कॉस ए, तो हमें भी हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थी ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, तो हमने तो अभी पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी साइन ए क्या है, तो ए और थीटा क्या कर रहा है, एंगल को बता रहा है, तो थीटा इज क्या है, एंगल है, और ए अगर यहाँ कर दोगे तो ए क्या है, वो भी एंगल ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ए लिखा है कि बी लिखा है, ठीक है। बी ए भी बताया था, ठीक है। अब देखो उसमें क्या करना है, कॉस ए को लिखना है ना, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एल एच एस वाले को आर साइड ले चलो, 1 माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस ए लिखो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों तरफ क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको इस तरह ले सकते हैं ना, रूट लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ रूट लगा दो, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए को किसके टर्म में लिख दिया, साइन ए के टर्म में लिख दिया, कॉस ए को साइन ए के टर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है टेन ए को साइन ए टर्म लिखना है, तो हमने पढ़ा है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए होता है। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए। तो हमें साइन ए के टर्म में लाना है, साइन ए के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए, तो साइन ए बना रहे दो, और कॉज ए को अभी भी निकाला है साइन ए के टर्म में, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, लास्ट में लिख दो क्या, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई, समझ आया, कुछ नहीं करना है। देखो साइन ए वाला तो साइन ए लिखा रहने दो, और कॉस ए को भी जो बदल के लिखा है वन अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको यहाँ पुट कर दो। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या, सेक ए को लिखना है, सेक ए को चेंज करना है क्या, कॉस ए फॉर्म में। तो हमने रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था कि कॉस का ए का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन सेक ए, और सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए लिखो, वन अपॉन कॉस ए, कॉस ए को अभी भी चेंज करके लिखा है, कॉस ए को चेंज करके लिखा है ना, चेंज करके फिर से बता दूँ कॉस ए को, देखो कॉस ए को चेंज करा साइन टर्म में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको वन अपॉन कॉस की वैल्यू जो निकाली है, ये रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया, ये क्या हो गया, सेक ए को भी हमने चेंज कर दिया किसके, साइन के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर पहला, प्रूव डैट वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो पहला लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। तभी हमने कुछ देर पहले बताया था, पहले से साइड ले लो, अच्छा इसमें पहले लेफ्ट साइड वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में सेक स्क्वायर ए ये लेना है। अभी कुछ देर पहले बताया था आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, और साइन स्क्वायर ए को आरजे साइड ले जाओ, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, देखो ये होगा, यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर ए, हमें साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ए लिखो, यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया इंटू सेक स्क्वायर ए। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉस कॉस ए, ठीक है, इधर स्क्वायर लगा दो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, तो सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को चेंज कर दो, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कट जाएगा आ जाएगा, तो एलजे साइड लेके चले थे आरजे साइड आ गया। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, इक्वल टू क्या लाना है, इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये क्या है, वन पर टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन लाना है। इसको देखो कुछ देर पहले भी हमने एक आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी बताई थी क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए बताया था ना, आइडेंटिटी याद, तीनों याद कर लो, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अपने आप लर्न हो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे लिखो फिर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, पहले से साइड ले चल रहे हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर इंटू कॉस, पहले से लिख लो क्वेश्चन लिख लो पहले, क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू
स्क्वायर ए, ठीक है, 1 पर टेन स्क्वायर ए क्या बताया, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए का चेंज कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस चला गया, 1 आ गया, एल एच एस लिखे गया तैयार एच एस साइड आ गया, ठीक है, एल एच एस लिखे गया तैयार एच एस साइड आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 अपॉन में, 2 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लेके जाना है, एल एच साइड लेके चलो सॉल्व करने, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ लिखो कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है, समझ में आया, पहले तो क्वेश्चन लिख दिया करो जब एल एच साइड लिया करो तो, 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अब इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या चेंज कर दिया, कॉसिक स्क्वायर में चेंज कर दिया, ठीक है, आइडेंटिटी बताई थी ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिया 2 अपॉन 2 कॉसिक स्क्वायर है, तो 2 कॉसिक कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए को चेंज करते हैं, साइन ए को रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक, 1 अपॉन कॉस एक ए, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे देखो 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर हो गया क्या, साइन स्क्वायर, देखो यहाँ इंटू 1 लगाओगे और इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख दो 2 साइन स्क्वायर है, समझ में आया, 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर देखो एक हिसाब से लिखा है ना, ये यहाँ लिख दिया, अब क्या करो उसमें 2 कॉमन ले लो दोनों में, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, वो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है ना, दोनों में क्या है, दोनों में 2 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है 2, और यहाँ पे ये क्या होता है, वैल्यू 1 होती है और 2 आ गया, एल एच एस लेके गए थे आर एच एस आ गया, देखो आर एच एस में क्या दिया गया, आर एच एस में 2 ही दिया गया ना, तो प्रूव हो गया, इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव किए, पहला क्या प्रूव किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकंड वाला प्रूव किया 1 पर टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, थर्ड वाला प्रूव किया 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये 3 क्वेश्चन प्रूव हो गए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, नेक्स्ट क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये करना है, ठीक है, अब देखो ये भी सब में आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज वाले में आइडेंटिटीज मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, तो देखो यहाँ लिखो कॉट स्क्वायर ए, 1 को साइड ले जाओ, किस साइड, आर जे साइड ले जाओ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये चीज़ देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये टर्म पूरा कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है एल एच एस में, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है इंटू टेन स्क्वायर है, ठीक है, अब हमने बताया था टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉट कॉट ए, अब इसी तरह टेन स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, अब लिख दो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन ए को लिख दो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, अब कॉट स्क्वायर चला जाएगा तो ये चाहिए 1 एल एच एस लिखे गए आर एच एस आ गया, तो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन बहुत बड़े डिफिकल्टीज नहीं है, हमें सामने दिया रहता है कि क्या आंसर लेकर आना है, बस हमें मेथड आना चाहिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम साइड नोट कर ले रहा हूँ, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए होल अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है,
साइन ए प्लस कॉज ए प्लस साइन ए इंटू कॉज ए दिया गया। एक फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इज इक्वल टू ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हो देखो, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब लिखा है, यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर साइन ए है और बी बराबर कॉस ए है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख दो, क्या करोगे वैल्यू पुट कर दो, मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ जैसे, तो लिख दे रहा हूँ ये टर्म दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है इस रिटर्न में, ए की जगह साइन रखना है, बी की जगह कॉस रखना है, यहाँ रखो फिर। तो साइन ए प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, होल अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको नोट करना जरूरी नहीं है। यहाँ क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए चल रहा है, बगल में क्या चल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए चल रहा है, बगल में साइन ए इंटू कॉस चल रहा है। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, देखो मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये टर्म कट जाएगा, साइन ए ये वाला साइन ए कट जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये बचा है। और क्या बचा है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट हटा के लिखो, ब्रैकेट हटा के लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, एक माइनस है, ये भी कटेगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का है। तो बचा क्या, आप देखो बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बचा है। अभी बताया था आइडेंटिटीज क्या होता है, एक आइडेंटिटीज है, क्या है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है। पहली आइडेंटिटीज मैंने प्रूव कराई थी, क्या कराया था, यही कराया था ना, तो यहाँ पे लिख दो ए वन, एल एच एस लेके गए थे, आर एच एस आ गया, ठीक है, समझ आया, एल एच एस लेके गए थे और आर एच एस हमारा आ गया, तो क्या हो गया, आर एच एस आ गया क्या, वन, ठीक है, समझ आया। क्या किया जनरली इसमें, ये फॉर्मूला यूज करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, क्योंकि क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब ए एक की जगह क्या रख दोगे, एक की जगह साइन रख दोगे, बी की जगह कॉस रख दोगे, और फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यू, साइन ए प्लस कॉस ए कट जाएगा, जो बचेगा सॉल्व करके आर एच एस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए के और कॉस ए माइनस ए के इज इक्वल वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, एल एच एस साइड वाले सॉल्व करते हैं, एल एच एस सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो साइन ए यहाँ लिखा रहे तो साइन ए माइनस कॉस एक ए, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है कॉस ए माइनस सेक ए, ठीक है, इतनी लिखा थी ये चीज़ लिख दिया है। अब देखो साइन ए ऐसे लिखा रहने दो, मैंने अपना कॉस ए के को चेंज कर दो साइन ए में, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉस ए ऐसे लिखा रहने दो, सेक को चेंज कर दो माइनस अपॉन में कॉस ए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में साइन ए, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दो, उसमें ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, इस वाले को चेंज करो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में कॉस ए, ठीक है, क्या कर दिए, जनरली क्या करना है, इसमें एलसीएम लिया है मैंने बस, और कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके कर लो। अब इसको चेंज करो, इसको लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा, देखो माइनस कॉमन लोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर है होल अपॉन में साइन है, ठीक है, इस वाले में कॉमन लो
वन माइनस कॉस स्क्वायर है और अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचा क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये एल सी साइड सॉल्व करना है अभी। वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे कर दिया, कॉस ए कैसे हो गया, साइन ए कैसे हो गया, तो देखो कैसे हो गया। आइडेंटिटी हमने बताई थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को इधर बना रहने दो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ लिखो। क्या इतना टर्म लिखा हुआ था उसके साथ, इसको क्या लिख सकते, इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया, इसको क्या चेंज कर, इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर साइन में कैसे चेंज किया, तो देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इधर ले गए ना, तो वन माइनस हो गया इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर लिख दिया। समझ में आया क्या किया है, कुछ नहीं किया है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी वाली से, आइडेंटिटी से इसको क्या लिख दिया, चेंज करके लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अब इसको एक कॉस से कॉस चला जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा है। अब इसके आगे सॉल्व तो कुछ होगा नहीं, तो आरचे साइड सॉल्व करते हैं। आरचे साइड में है क्या, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये है आरजे साइड। वन अपॉन टेन ए चेंज करो तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, नेक्स्ट वाला चेंज करो कॉस ए अपॉन में साइन ए। समझ में आया? अगर एलसीएम भी लोगे इसका तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए और सभी प्लस है, प्लस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम लिया ना, देखो साइन इंटू कॉस ए लिखो एलसीएम, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए हुआ। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये वन होता है। यहाँ वन की वैल्यू पुट कर दो, वन की वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, वन की वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो वहाँ साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में वन, आंसर क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। देखो एल एच एस में भी आया क्या आया था, साइन ए इंटू कॉस ए, आर एच एस में क्या आया था, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एल एच एस साइड ले चलें, इसमें एल एच एस ले जाएंगे, लिखो एल एच एस लिख लो, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एल एच एस लेके गए थे, आर एच एस लेकर आना है, एल एच एस लेके गए थे और आर एच एस लेकर आना है। यहाँ पे स्क्वायर खोलो, देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला यहाँ रखना है। ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है, तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए
इंटू कॉस ए के, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद और प्लस का साइन, ठीक है, ब्रैकेट बंद और प्लस का साइन। नेक्स्ट में क्या है, कॉस ए वाले लिखो, नेक्स्ट में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए, ये है ठीक है। एलएचएस साइड लेके चलना है, बचा अब इसको टर्म को एक साथ लिखो जरूर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए के प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अभी एक चीज और बताई थी, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉज ए के, ठीक है, और कॉज ए का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन सेक ए। इसको यूज करना है यहाँ पे, देखो साइन ने जहाँ लिखा है यहाँ पे कॉज ए लिखो, कॉज ए जहाँ लिखा वहाँ सेक ए लिखो, ताकि ये सेक से सेक कट चला जाए। साइन स्क्वायर है और कॉज स्क्वायर है एक साथ लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है एक साथ, ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में टू साइन ए इंटू कॉज ए चेंज करो वन अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस टू कॉज ए इंटू वन अपॉन कॉज ए, ठीक है। बचा क्या है, बचा है कॉज ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। देखो साइन से साइन चला गया, कॉस से कॉस चला गया, ये टर्म होता है वन, ये टर्म में क्या होता है वन, इसमें लिख दिया वन प्लस टू प्लस टू प्लस कॉस एक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ठीक है, दो चार और एक पांच, ये हो गया फाइव प्लस कॉस एक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ठीक है, इतना समझ आया। कुछ नहीं कहा, जनरली रेसिप्रोकल रिलेशन होता है साइन ए को वन अपॉन कॉस ए के, और कॉस ए का रेसिप्रोकल वन अपॉन सेक होता है, उसी को लिख दिया है। यहाँ पे आया क्या, पाइप प्लस कॉस ए प्लस सेक ए आया, सेक स्क्वायर है कॉस एक स्क्वायर है, तो पाइप कॉस एक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉट, वन प्लस कॉट स्क्वायर है, जो सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर है। आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज अभी पढ़ाई थी हमने, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक स्क्वायर है, ठीक है, तो फाइव प्लस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, पाँच और छः और सात, तो क्या बचा, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एल एच एस देखे गए थे, आर एच एस आ गया, क्या यही आर एच एस है, क्या यही आर एच एस है, चेक कर लो, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर है, यही आ रहा है ना, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, आर एच एस आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ नहीं किया, पहले क्या किया है, पहले होल स्क्वायर जो स्क्वायर दिया गया उसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, खोल दिया। बाकी इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद रेसिप्रोकलेशन का यूज किया गया, फिर फाइव प्लस कॉसेक स्क्वायर आ गया प्लस सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज कर दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर होता है, ये लिख दिया, फाइव वन सिक्स, सिक्स में वन ऐड कर दिया सेवन हो गया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, सेवन प्लस टेन स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, सेकंड ब्रैकेट में लिखा है वन प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू टू लाना है,
अच्छे साइड ले चलो, 1 प्लस कॉर्ड ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, रिकॉर्ड दो लाना है ना। 1 प्लस कॉटे को चेंज करो, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉसेक ए को चेंज करो 1 अपॉन साइन ए। समझ में आया ब्रैकेट कैसे चेंज करा है? कॉट ए को चेंज करने पे क्या था, कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। और टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। लिखो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस प्लस सेक ए को चेंज कर दोगे तो 1 अपॉन कॉस ए में हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा साइन ए। यहाँ पे आया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये एलसीएम आया। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में एलसीएम लो कॉस ए, तो यहाँ पे आएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन में है देखो, करो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रिलेट कर लो जरा इससे, किससे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। एक ब्रैकेट में देखो ये लिखा है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अगर जनरली मल्टीप्लीकेशन कर रहे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे जल्दी आ जाएगा फॉर्मूला यूज करने से। तो क्या लिखोगे इसको, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस इसको पूरा ए मान लो, बी इसको बी मान लो, तो क्या लिखा है ए माइनस बी, दूसरे बैकग्राउंड क्या लिखा है ए प्लस बी, क्योंकि ए हमने किसको माना, ए माना है साइन ए प्लस कॉस ए को ए माना है, तो बी किसको माना है बी 1 माना है, ठीक है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, साइन ए इंटू कॉस ए आइडेंटिटी है, ये साइन ए इंटू कॉस ए की आइडेंटिटी है, इसको ऐड करने पे 1 आता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, प्लस और माइनस क्या कट गया, कट गया, बचा क्या, बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। देखो तो ये भी टर्न कट जाएगा, ये भी टर्न क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या दो दो। देखो एल से लेके गए तो आर एच एस आ गया, क्या आर एच एस में 2 ही बचा है, क्या आर एच एस में 2 ही आ रहा है, आर एच एस में देखो 2 ही आ रहा है, आर एच एस में क्या है 2 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करो इसको, एल से साइड ले चलें, इसमें भी एल से साइड ले चलेंगे तो कैसे होगा, देखो
साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन में क्या है, साइन ए माइनस कॉज ए प्लस साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉज ए, ठीक है, ब्रैकेट एलसीएम लो, एक ब्रैकेट में साइन ए माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉज ए, ठीक है, साइन ए प्लस कॉज ए, इधर क्या है माइनस माइनस है, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर प्लस है साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉज ए, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए इंटू कॉज ए, समझ में आया क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया और ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, जहाँ पे ए की वैल्यू साइन ए है और बी की वैल्यू क्या है कॉज ए है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ना, यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, अब ये देखो साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, यहाँ लिखो वन प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर प्लस लगा है, फिर प्लस के बाद ये भी वन होता है, वन माइनस टू साइन ए कॉज ए, फिर प्लस ब्रैकेट वन माइनस टू साइन ए इंटू कॉज ए, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन चल रहा है साइन ए माइनस कॉज ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा है साइन ए प्लस कॉज ए, ठीक है, ये वन वन टू हो जाएगा, ये कट ही जाएगा, बचेगा क्या नीचे, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आ गया टू अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब क्या करें, अब लाना है हमें क्या है टू सेक स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन लाना है, सेक स्क्वायर ए कब होगा, जब वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए जब बनेगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर तभी होगा ना, टू तो आ गया है हमारे पास, तो सेक स्क्वायर तभी बने जब वन अपॉन कॉस स्क्वायर है वो, तो क्या करें इसमें कर दो ऑन डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर ए इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, हिंदी में बोले तो टू अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए हो गया, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो आ गया, तो क्या फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर हमारा आ गया टू सेक स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस लेके चले थे आर एच एस हमारा आ गया, देखो यही आ रहा है ना टेन स्क्वायर ए माइनस वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वन अपॉन वन वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, नेक्स्ट वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर फोर ए, एलएचएस साइड लेके चलें, एलएचएस साइड लेके चलेंगे तो क्या होगा वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, वन अपॉन टेन स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर होता है, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर है, सेकंड ब्रैकेट में क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर है, समझ में आया, ठीक है,
अब आइडेंटिटी में बताया था क्या मैंने, 1 + tan² a इज इक्वल टू sec² a, 1 + cot² a इज इक्वल टू cosec² a, बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाला लिख दूँ, यहाँ पे हो जाएगा cosec² a, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sec² a, कितना समझ में आया? कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर दो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को चेंज कर दो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ठीक है ये हो गया। तो देखो इसको लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू कॉसेक स्क्वायर है, या अब हमने आइडेंटिटी और पढ़ाई थी एक, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर को चेंज कर दोगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए चेंज करोगे क्या हो जाएगा 1 - sin² a, तो कॉसेक स्क्वायर ए दिया गया इसको चेंज कर दो किसमें 1 - sin² a, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर चेंज कर दिया क्या लिखा 1 - sin² a, ठीक है साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन करो इसके अंदर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 2 साइन की पावर 4 a, LHS लेके गए थे RHS आ गया, देखो क्या यही क्वेश्चन में था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस साइन की पावर 4 a, क्या करा इसमें 1 अपॉन tan को cot में चेंज कर दिया, 1 अपॉन cot को tan में चेंज कर दिया, ये आइडेंटिटीज होती है, ठीक है ये आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख दिया, फिर क्या करा दोनों को कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉज ए एलएचएस लेने से भी कॉज ए ब्रैकेट 1 - tan a प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 - cot a, इसमें साइन ए कॉज ए को चेंज कर दो, कॉज ए ब्रैकेट 1 - sin a इंटू कॉज ए प्लस साइन ए, नीचे चेंज कर दो कॉट ए को 1 - cos a / sin a, ठीक है एलसीएम ले लो, कॉज ए माइनस साइन ए होल अपॉन में कॉज ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए होल अपॉन में साइन ए, ठीक है नेक्स्ट बढ़ो, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है आगे क्या है फिर साइन ए, फिर प्लस में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है माइनस साइन कॉमन लोगे अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है एलसीएम लो नीचे, कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इसमें ब्रैकेट क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है तो कॉस ए माइनस साइन ए देखो लिखो यहाँ पे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए,
ठीक है, ये माइनस वाला टर्म माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा कॉज ए प्लस साइन ए, कॉज ए प्लस साइन ए, प्रूफ क्या करना था हमें, कॉज ए प्लस साइन ए करना था। तो एल एच एस लेके गए, आर एच एस आ गया, आर एच एस आ गया ना, आर एच एस क्या है, कॉज ए प्लस साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए के अपन कॉस ए के माइनस वन प्लस कॉस ए के अपन कॉस ए के प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, इसको प्रूव करना है। एलसीएम साइड ले चलेंगे, पहले एलसीएम साइड क्या लिखा है, कॉस ए के अपन कॉस ए माइनस वन प्लस कॉस ए के नीचे अपन में क्या है, कॉस ए के प्लस वन, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो उसका, क्या करना है, एलसीएम ले लो उसका, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए के माइनस वन और कॉस ए के प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ कॉस ए के है, ठीक है, अब कॉस ए के माइनस वन है ही, कॉस ए के माइनस वन तो क्या हो जाएगा मिनट में, कॉस ए के प्लस वन, कॉस ए प्लस वन, साइन प्लस का साइन, फिर कॉस ए के नोट को उधर प्लस है, कॉस ए के प्लस वाला है टर्न, कॉस ए के प्लस वाला टर्न है, कौन सा टर्न आएगा, तो कॉस ए के माइनस वन वाला टर्न आएगा, कॉस ए के माइनस वन, सॉल्व करो उसको तो हो जाएगा कॉस का कॉसेक में, कॉसेक का कॉसेक मल्टीप्लीकेशन, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक का इसके साथ मल्टीप्लाई वन के साथ, फिर प्लस, फिर कॉसेक का कॉसेक के साथ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट लिखा है ए प्लस बी ना, कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन लिखा है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर, तो देखो एक माइनस से एक माइनस जा रहा है, एक कॉसेक प्लस का है एक कॉसेक माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस से जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर है एक टर्म ये है, एक कॉसेक स्क्वायर है एक टर्म ये है, तो क्या हो जाएगा, टू कॉसेक स्क्वायर है अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है माइनस वन, टू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। आइडेंटिटी बढ़ाई थी क्या है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या लिख लो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो, तो टू कॉसेक स्क्वायर ए ए चल रहा था कि थीटा, हाँ टू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक देखा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, ये माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू कॉसेक को चेंज करो अपॉन में वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ऊपर ले जाओ इसको, टू इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये साइन स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, टू अपॉन में कॉस स्क्वायर है। अगर सॉल्व करके इसको सॉल्व करके कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, टू सेक स्क्वायर है, टू सेक स्क्वायर है आर एच एस आ गया, मतलब एच एस लिख के आर एच एस आ गया, देखो यही तो है ना, टू सेक स्क्वायर है लाना था, ये क्वेश्चन दिया गया था, एच एस साइड लेके गए, पहले क्या किया एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी एक आइडेंटिटी होती है उसको यूज करा, और नेक्स्ट में एक आइडेंटिटी है कॉट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा होता है, इसको यूज़ करें यहाँ पे इसको रखा,
क्या किया देन इसके बाद सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया, टू अपॉन कॉस स्क्वायर है, टू अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन सेक ए, और सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लगा दो तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर को चेंज करके ले सकते हो, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वन था, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्या हो गया सेक स्क्वायर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए होल अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, एल से साइड सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करके क्या लाना है, टेन ए लाना है। देखो लिखा है साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन में टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, क्यूब है यहाँ भी, क्यूब है साइन है साइन है, तो यहाँ पे क्या करो साइन ए कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, नीचे अपॉन में क्या करोगे कॉस ए कॉमन ले लो, क्या बचा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, देखो टेन ए तो आ गया, मतलब ये क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, आप देखो कैसे करेंगे, तो साइन ए ब्रैकेट वन माइनस टू, आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये बताया था। अब क्या करो साइन स्क्वायर की जगह कुछ और रखना है, कुछ और क्या रखना है, मतलब उसको चेंज करना, साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा क्यों चेंज किया, ताकि ये टू कॉस स्क्वायर ए आए, इसको हम ताकि कैंसिल कर सकें, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा अपॉन में कॉस ए और टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। साइन ए लेना तो ऐसे वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर ए, क्या किया माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ, माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन माइनस कॉस स्क्वायर के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस टू कॉस स्क्वायर है माइनस का वन के साथ, तो माइनस का टू अपॉन में कॉस ए टू कॉस स्क्वायर है माइनस वन, सॉल्व करो आगे, आगे यहाँ आप सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा, साइन ए वन माइनस टू माइनस का वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। देखो उसको चेंज करके लिखें साइन ए उसके बाद क्या लिखा है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। नीचे कॉस एक साथ क्या लिखा है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना किस तरह चेंज करा गया है, कॉस ए इधर वो टर्न कट जाएगा, तो बच्चे का क्या साइन है अपन कॉस ए क्या होता है टैन ए, मतलब एलएचएस लेके गए थे, आरएचएस साइड आ गया, सॉल्व हो गया, मतलब एलएचएस लेके गए थे और आरएचएस साइड क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस टेन स्क्वायर है होल अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर, टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है, तो पहला टर्म सॉल्व करो वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर है, आइडेंटिटी पढ़ाई थी हमने, वन प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है बताया था आज ही इसी लेक्चर में। नेक्स्ट क्या है वन प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर है, ठीक है। रखो यहाँ पे वैल्यू क्या सेक स्क्वायर रखो, कॉट में क्या रखोगे कॉस एक स्क्वायर रखो,
ठीक है, sec वाले चेंज करो 1 अपॉन cos² ठीक है, मल्टीप्लीकेशन साइन cosec वाले चेंज करो 1 अपॉन sin, तो 1 अपॉन sin² बचा क्या, sin² अपॉन में cos² ये क्या हो जाएगा 10² ठीक है, समझ में आया। पहला वाला टर्म सॉल्व हो गया, आगे किसके बराबर आ गया, 10² के बराबर आ गया। पहला वाला टर्म सॉल्व होकर किसके बराबर आ गया, 10² के बराबर आ गया। नेक्स्ट वाला टर्म सॉल्व करो, नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, 1 माइनस tan A, 1 माइनस cot A, 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके क्या लेना, 10² में लाना है, तो 1 माइनस sin A अपॉन cos A, तो साइन अपॉन कॉज ही क्यों करते हो, टेन को चेंज करने का फॉर्मूला है, 10A = sin A अपॉन में cos A, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। इसको भी लर्न करते जाए धीरे सारी चीज़ों को, जैसे प्रोग्रेशन भी याद करना है, टेबल भी याद करना है, सब कुछ याद ही करना है आपको धीरे धीरे ठीक है। प्रैक्टिस करते जाए, क्वेश्चन जैसे साथ साथ याद होता चला जाएगा। 1 माइनस cot को चेंज करो cos A अपॉन में sin A की होल पावर 2, कैल्शियम लो, कैल्शियम लो तो क्या हो जाएगा, cos A - sin A अपॉन में cos A, ये क्या हो जाएगा, sin A - cos A की होल पावर sin A का होल स्क्वायर ठीक है। ये cos A - sin A, sin A - cos A है, इसको लिखो जरा अच्छे से चेंज करके, cos A - sin A ठीक है का होल स्क्वायर, बोलो मैं cos A का होल स्क्वायर, फिर क्या है, sin A - cos A का होल स्क्वायर अपॉन में sin A का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म कट जाएगा ठीक है, क्या होगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा कैसे कैंसिल होगा, देखो ये बता दे, cos A - sin A ये लिखा है, का होल स्क्वायर लिखा है, अपॉन में cos A लिखा है, का होल स्क्वायर लिखा है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में sin A का होल स्क्वायर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, इसे नीचे वाले से माइनस कॉमन लो, ब्रैकेट लगाओ, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, cos A - sin A का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस कॉमन तुमने लिए, माइनस का स्क्वायर करोगे जैसे कोई वैल्यू रखी है, -2 का स्क्वायर करो दैट इज 4, और 2 का स्क्वायर भी करो तब भी 4 ही आएगा भाई ना, तो वही देखो माइनस अगर बाहर लगा लिया है, इसका अगर स्क्वायर करोगे तब भी इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आएगी, ठीक है सिंपली क्या कर दो, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या, बचा है sin A अपॉन cos A का होल स्क्वायर, दैट इज क्या, 10² A ठीक है। देखो 10² A के बराबर सब आ रहा है, ये भी 10² A, ये भी 10² A ठीक है, तो प्रूव हो गया क्वेश्चन ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिख दोगे 1 प्लस tan A² 1 प्लस cot² A, 1 प्लस tan² A = 1 माइनस tan A अपॉन में 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10² A ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट 10A + sin A = 10A - sin A = 2 + 1 / 2 - 1 सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन भाई। पहला क्या है, 10A + sin A / 10A - 1 / 10A - sin A
इक्वल टू सेक ए प्लस वन अपॉन में सेक ए माइनस वन। ये क्या करना है, इसको प्रूव करना है। करो, एलजेब्रा साइड क्या है, टेन ए प्लस साइन ए होल अपॉन में टेन ए माइनस साइन ए। ठीक है, टेन ए को चेंज करो, साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए होल अपॉन में टेन ए फिर से चेंज कर दो, साइन ए अपॉन में कॉज ए माइनस साइन ए। ठीक है, लाइन किसके बगल में कर दो, असल क्या करो, कॉमन लो साइन ए, साइन ए कॉमन लो तो वन अपॉन कॉज ए प्लस वन, इधर से भी साइन ए कॉमन ले लो, वन अपॉन कॉज ए माइनस वन। ठीक है, कुछ दिख रहा है, साइन ए से साइन ए चला गया तो बचेगा क्या, साइन ए से साइन ए चला गया तो बचा क्या, वन अपॉन कॉस वॉट, कितनी बार बताया है, सेक ए प्लस वन अपॉन में सेक ए माइनस वन। एलजेब्रा साइड ले गए थे भैया, आ गया है एलजेब्रा साइड, सॉल्व हो गया क्वेश्चन सिंपल सा। क्या क्या टाइन को चेंज कर दिया, साइन अपॉन कॉस में प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, साइन लिखा, साइन लिख दिया। ठीक है, इधर भी कर दिया, साइन ने कॉमन ले लिया तो वन अपॉन कॉस प्लस वन, साइन ने कॉमन लिया वन अपॉन कॉस माइनस वन, साइन साइन चला गया तो वन अपॉन कॉस रेसिप्रोकलेशन बताया था सेके होता है, सेके प्लस वन सेके माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट, देख लेते हाँ, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए होल अपॉन में कॉट ए प्लस कॉज ए। प्रूव करके किसके बराबर है, कॉस ए के माइनस वन कॉस ए के प्लस वन, कॉस ए माइनस वन बराबर कॉस ए माइनस वन अपॉन में कॉस ए प्लस वन। पहले से सेट क्या सॉल्व करेंगे, तो फिर से लिखो कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉज ए। ठीक है, कॉट ए को चेंज करो तो कॉज ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉज ए, यहाँ कॉट ए चेंज करो, कॉज ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉज ए। ठीक है, कॉज ए कॉमन ले लो, वन अपॉन साइन ए माइनस वन, इधर भी कॉज ए कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए प्लस वन, ये कॉस से कॉस चला गया, वन अपॉन साइन रेसिप्रोकल कॉस ए के माइनस वन अपॉन में कॉस ए के प्लस वन। एलजेब्रा लेके गए थे, एलजेब्रा साइड आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, क्या किया, सिंपल सा कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका यूज किया है, लास्ट जो पिछले क्वेश्चन बताया था उसमें टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉज ए यूज किया है, बस इतना ही यूज करके दोनों क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लिया है, बस सॉल्व करना ही है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन कॉज ए के, चलो अलग से साइड सॉल्व करेंगे, पहले वन अपॉन कॉज ए के माइनस कॉट ए माइनस वन अपॉन साइन ए को प्रूव करना है किसके बराबर, वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो वन अपॉन कॉस ए के माइनस कॉट ए लिख दो ऐसे सिंपल, माइनस में वन अपॉन साइन ए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें कॉस ए के प्लस वन से मल्टीप्लिकेशन करा ऊपर नीचे दोनों साइड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो देखो वन अपॉन कॉस ए के माइनस कॉट ए दिया ही गया, इसका मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ, कॉस ए के ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉस ए के ए प्लस कॉट ए माइनस वन अपॉन साइन। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा
ऊपर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, देखो क्या लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, देखो वही करो, ए माइनस बी लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, तो मतलब क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस वन अपॉन साइन, तो को मैंने बताया था कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन साइन, ठीक है, वन अपॉन साइन लिखा है मतलब क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ही लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो कॉसेक ए अपॉन वन, ठीक है, समझ आ गया क्या लिख दिया, कॉसेक ए अपॉन में वन, और एक चीज और बताया था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में बताया था वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, बताया है कि नहीं बताया, अब देखो क्या करना, तो वन इज इक्वल टू कॉटेक स्क्वायर ए को आरचे साइड ले चलो, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नहीं लिखा है इसकी जगह लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, अपॉन में वन, वन हो गया ना, माइनस में कॉसेक ए माइनस वन, सॉल्व करो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये कॉसेक ए प्लस का है कॉसेक ए माइनस का है, क्या आ गया कॉट ए, अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं हो रहा है, या इसको यहीं छोड़ दो, कॉट ए आ गया, नेक्स्ट में करते हैं एस, क्या था बाहर से साइड सॉल्व करेंगे, तो आरजे साइड क्या है वन अपॉन साइन ए माइनस क्या है माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वन अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दिया गया है ना, तो वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, इसको कॉसेक ए में चेंज कर माइनस, इसको रेशनलाइज करो, मतलब क्या करना है, ये प्लस का साइन है तो माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया, यहाँ पे कॉसेक ए ठीक है माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, देखो फिर से ये बदल रहा है, क्या कर रहा है फिर से ये चेंज हो रहा है, कॉसेक लिखा है यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो रहा है, देखो क्या होता है, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में वन, यहाँ पर वन चल ही रहा था, तो देखो तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए चल ही रहा है, तो कोई माइनस का कॉसेक प्लस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए कट के क्या आ गया कॉट ए, ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू कॉट ए, सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट सेम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके है, तो एल एच एस साइड ले चले पहले, एल एच एस साइड में क्या है वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन अपॉन में कॉस एक्स, क्या करो रेशनलाइज करो इसका भी, वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस का साइन है तो प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस कॉस वन अपॉन कॉस मतलब सेक एक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी बताई थी हमने वन प्लस टेन
स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स चेंज करोगे, चेंज क्या करोगे, सेक ये है सेक स्क्वायर एक्स इधर ले जाओ, या टेन स्क्वायर एक्स को आरजे साइड ले चलो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखो ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर वन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वन लिख दो, सेक एक्स माइनस प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स आया, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट करके क्या आया टेन एक्स। अब आरजे साइड सॉल्व करो, आरजे साइड क्या है, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये है वन अपॉन कॉस मतलब सेक एक्स, इसका भी रेशनलाइज कराओगे ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस का है तो मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये होता है वन, और ऊपर आ जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ आएगा सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, सेक एक्स चला गया, बचा क्या टेन एक्स, टेन एक्स के बराबर आ गया, आरचेस के बराबर आ गया, तो मतलब क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू टेन एक्स, समझ आ गया, दोनों में साइड में क्या रेशनलाइज कर दिया गया है और रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज किया गया, आइडेंटिटी यूज किया गया है, तो सॉल्व हो जाएगा दोनों साइड, आंसर आ जाएगा टेन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, एल से साइड सॉल्व करो, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स चेंज करोगे वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉट एक्स को चेंज करो तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, देन एलसीएम ले लो, साइन एक्स वन माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर एक्स लिखा है, वन माइनस कॉस एक्स मतलब वन माइनस कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में भी वन माइनस कॉस एक्स, मतलब स्क्वायर मतलब दो बार ही लिखना है, वन माइनस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करो, आइडेंटिटी बढ़ाई थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल वन, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया वन का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन माइनस कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस कॉस एक्स, हाँ तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या वही चीज़ तो लिखी है, देखो ए माइनस बी मतलब वन माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी मतलब वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, चेंज करो उसको ना, चेंज करो तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स दूसरे ब्रैकेट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में वन माइनस कॉस एक्स दूसरे ब्रैकेट वन प्लस कॉस एक्स, एक माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, आया है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स, एलसीएम लेके गए थे आरजे साइड आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ये रफ वर्क है आपको समझाने के लिए किया गया, बाकी यहाँ पहला स्टेप दूसरा स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ फिफ्थ है
सिक्स स्टेप में आंसर आ गया ये, ठीक है। सब एकदम एक लाइन से, एक पैटर्न से इस तरह करना है, समझ आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड की पावर 4x में सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। देखो तो एलसीएस एडिशन है, एलसीएस ऐड क्या है, सेकंड की पावर 4x माइनस सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। सेकंड स्क्वायर x इसमें कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेकंड स्क्वायर x। देखो दो दो पावर चार हो गया ना, चार ही तो पावर है, माइनस सेकंड स्क्वायर x कॉमन ले लिया। वन आइडेंटिटी पढ़ाई थी, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखो यहाँ पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस, मतलब रिप्लेस करना, सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स में, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये 1 से 1 चला गया, तो क्या बचा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 10 स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लीकेशन कराओ तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, यही तो लिखा है नेक्स्ट ब्रैकेट में, एलसीएम लिखे गए थे, आरजे साइड सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या किया है, जनरली आइडेंटिटी का इस वाला यूज़ किया गया है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर माइनस वन में सेक स्क्वायर ज्यादा बड़ा था, वहाँ पे 1 पर 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो सॉल्व कर दिया, एलसीएस लिख गए थे, आरसीएस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 प्लस sin x / 1 माइनस sin x इज इक्वल सेक एक्स प्लस sin x का होल स्क्वायर, एलसीएस एडिशन है, आरसीएस लेकर आएंगे। एलसीएस क्या है, 1 प्लस sin x / 1 माइनस sin x, ठीक है। क्या करो, रैशनलाइज कर दो इसको भी, 1 प्लस sin x / 1 माइनस sin x, ये दिया गया है। रैशनलाइज का मतलब क्या हो गया, नीचे जो साइन दिया गया है उसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लीकेशन, मतलब साइन माइनस वन में साइन एक्स है तो 1 प्लस sin x, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस sin² x, समझ आया क्या किया, इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो मतलब होल स्क्वायर हो गया नीचे 1 माइनस sin² x, ठीक है। अब इसका खोलो, 1 प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलो, 1 प्लस sin² x प्लस 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin² x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस sin² x क्या होता है, कॉस स्क्वायर, देख लो भाई कैसे, sin² x + cos² x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस sin² x क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो 1 को ये एलसीएस को ले जाओ आरजे साइड, sin² x को आरजे साइड ले जाओ, तो 1 माइनस sin² x हो जाएगा, बचेगा cos² x, मतलब cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस sin² x। सॉल्व करो उसको, फिर क्या सॉल्व करो, 1 प्लस sin² x + 2 sin x ये लिखा था, ठीक है, अपॉन में cos² x, अलग अलग लिखो, 1 अपॉन cos² x + sin² x / cos² x + 2 sin x अपॉन में cos x cos² x लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sec² x + tan² x + 2 tan x * sec x, 1 अपॉन cos मतलब sec, इसको क्या लिख सकते हैं, sec x + tan x² अरे कैसे भैया, समझ नहीं आया स्टेप। देखो ये लिखा है a + b² इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab, ए की जगह sec रखो तो b की जगह tan रखो, चेंज कर दो, sec² x + tan² x + 2 sec x
इंटू टेन एक्स, क्या ये लाइन इससे मैच कर रही है, ऊपर वाले से इससे मैच कर रही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। समझ आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। तो एलजे साइड ले चलें पहले। एलजे साइड क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन होल अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता था। अब यहाँ पे वन है तो वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वन की जगह पुट करना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पुट करिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन की जगह क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में वन। ठीक है, आगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखो क्या लिखा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये चीज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, होल अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अब क्या करो, उससे इसे कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन ऊपर से लो क्या आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना कॉमन लो, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन माइनस ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अभी वो लिखते हैं, अभी क्या आया था, सेक थीटा माइनस टेन प्लस लिया था, कॉमन क्या लिया था, प्लस लिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट के अंदर वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, नीचे क्या चल रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये चल रहा है, देख लेते हैं एक बार, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अब वन का माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कराओ, माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या कराना है, अंदर कराना है ना, मल्टीप्लिकेशन कराओ माइनस का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको ऐसे ही बनाने दो, और अगर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में, ये भी देखो नीचे अरेंज करो क्या लिखा है, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में भी चीज लिखा है ना, देखो वन प्लस का माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा, ये देखो टर्म दोनों कट रहे हैं, बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, सेक थीटा को चेंज करो, वन अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा को और टेन थीटा को चेंज करोगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा एलसीएम ले लो, कॉस थीटा क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और क्या बचेगा, वन प्लस साइन थीटा होगा, अब कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन करो,
वन माइनस साइन थीटा कितना समझ में आया? आया समझ में? क्या कर रहा है? sec थीटा को चेंज कर दिया 1/cos, sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos, और tan का रेसिप्रोकल सॉरी tan को क्या चेंज करते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लेंगे 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या बचेगा 1 - sin² थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा a+b लिखा है माइनस b, मतलब a² - b² मतलब 1 - cos² थीटा, नीचे क्या है cos थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, प्रूफ करके क्या लाना है हमें, प्रूफ करके लाना cos थीटा अपन 1 - sin थीटा। ऊपर देखो वन एक आइडेंटिटी और होती है, आइडेंटिटी यहाँ लिख दूँ, होती है sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos² थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - sin² थीटा, देखो 1 - sin² थीटा ही लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं cos² थीटा, यहाँ लिख दो cos² थीटा, देखो cos² थीटा अपॉन में cos थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1 - sin थीटा, इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ बगल में साइड में बचा क्या, ये क्या आया यहाँ पे cos² थीटा आया है और 1 - sin थीटा अपॉन में cos थीटा आया, इंटू में कॉस थीटा है, देखो एक स्क्वायर से कॉस थीटा चला जाएगा, एक स्क्वायर से एक कॉस थीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा, बचा है सिर्फ कॉस थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा। देखो क्या यही प्रूफ करना था, कॉस थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा, कॉस थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा, तो समझ आया, एल एच एस साइड लेके गए थे आर एच एस साइड आ गया, एल एच साइड लेके गए थे एल एच एस लेके गए थे आर एच एस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट के अंदर 1 + sin थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा प्लस रूट के अंदर 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा, ठीक है तो क्या करो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन करो, 1 + sin थीटा नीचे लें भी 1 + sin थीटा, ठीक है क्या करना है कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन, इस वाले के साथ भी कराओ ऐसे ही, प्लस है तो माइनस साथ कराओ, 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा प्लस, देखो तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट भी है ऊपर अंडर रूट भी है, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ही, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ही वन माइनस साइन थीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 + sin थीटा प्लस ऊपर हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, ठीक है इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 + sin थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 - sin² थीटा प्लस 1 - sin थीटा अपॉन में 1 - sin² थीटा, अरे प्लस का 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा तो 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा का तो cos² थीटा, एलसीएम ले लो रूट के अंदर 1 - sin² थीटा को, यहाँ लिखो 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, इसके बगल में यहाँ लगा रहा हूँ, क्या बचा 2 / 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा, cos² थीटा रूट के अंदर स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 / cos थीटा, फाइनली जो आंसर आएगा 2 sec थीटा
है मतलब एलसीएस लेके गए थे और आरजे साइड सॉल्व हो गया, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया गया, इफ टेन ए प्लस साइन इज इक्वल टू एम एंड टेन ए माइनस साइन इज इक्वल टू एन शो डेट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर रूट के अंदर एम इंटू एन, गिवन क्या है पहले देखें। गिवन इज एम इज इक्वल टू टेन ए प्लस साइन ए, ठीक है, और एन इज इक्वल टू टेन ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये एलजे साइड है आरजे साइड है, तो एलजे साइड वाले चलो, क्या बोला गया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इट्स मीन एम की वैल्यू रखो टेन ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू रखो टेन ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोलो टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू टेन ए इंटू साइन ए, इधर खोलो स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए इंटू साइन ए, माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कराओ, पहले लिखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू टेन ए इंटू साइन ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस का टू टेन ए इंटू साइन ए, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का, माइनस का टेन स्क्वायर ए से प्लस का टेन स्क्वायर ए चला गया, प्लस का साइन स्क्वायर ए से माइनस का साइन स्क्वायर ए चला गया, तो टू टेन ए प्लस टू टेन ए बराबर फोर टेन ए इंटू साइन ए, ये एलजे साइड सॉल्व हो गया। आरजे साइड सॉल्व करो, आरजे साइड में दिया गया है फोर, आरजे में क्या दिया फोर रूट के अंदर एम इंटू एन, रूट के अंदर एम इंटू एन हमने बताया था, हमने क्या बताया क्वेश्चन गिवन है टेन ए प्लस साइन ए, एम इज इक्वल टू क्या टेन ए प्लस साइन ए, एन क्या है टेन ए माइनस साइन ए, सॉल्व करो फोर रूट के अंदर एम की वैल्यू रखो टेन ए प्लस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में टेन ए माइनस साइन ए, ठीक है फोर रखो, इधर क्या करोगे टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है फोर टेन को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, ठीक है कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लो और तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है फोर है बाहर, ठीक है पूरा से बाहर आने दो, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो और बाहर निकाल रूट के, तो साइन ही बाहर आ जाएगा, इसको भी बाहर कॉस स्क्वायर को भी रूट के बाहर निकालो अपॉन कॉस ही आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या अंदर बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर है, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, फोर साइन अपॉन कॉस टेन ए इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है रूट के अंदर, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा फोर टेन ए इंटू साइन ए, देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू फोर टेन ए इंटू साइन ए आ गया, समझ आया, पहले एल एच एस सॉल्व कर लिया फिर आर एच एस सॉल्व कर लिया, दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया, तो यही प्रूव करना था कि दोनों को बराबर प्रूव करना था, दोनों को बराबर प्रूव कर दिए, इज इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड मतलब क्या करना है स्क्वायर करना है दोनों तरफ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है स्क्वायरिंग
करो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरफ लिया, कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरफ लिया, तो क्या इधर बचेगा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है, और इधर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बना लेंगे वैसे, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बना लेंगे वैसे, इधर लिया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्या किया इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया गया था, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फॉर्मूला होता है ना भाई, उतनी बार बताया है। इसमें बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना, तो ये फॉर्मूले याद कर ली थोड़े बहुत। आगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स दिया गया, मतलब रूट टू कॉस एक्स, यहाँ लिखो रूट टू कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दिया गया है, इसको लिखो अंदर से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इधर आया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स रूट टू साइन एक्स रूट टू कॉस एक्स है, रूट टू कॉस एक्स ब्रैकेट में क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे लेकर आओ उसको, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में रूट टू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये टू से टू जाएगा तो रूट टू ऊपर से बचेगा, कॉस से कॉस चला जाएगा तो क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स। क्या ये प्रूफ करना था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल रूट टू साइन एक्स, रूट टू साइन एक्स देखो क्या करा मैंने, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल रूट टू कॉस एक्स गिवन था, नोट कर लिया, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड स्क्वायर किया तो कॉस फॉर्मूला खोल दिया प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इधर रूट टू का स्क्वायर करोगे टू कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला ऐसे खोल दिया कॉस स्क्वायर एक्स इधर वाला कॉस स्क्वायर एक्स इधर लिया है, मतलब एलसीएस वाला कॉस स्क्वायर एक्स आर एच एस साइड लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स बचा, इससे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, फिर बचा टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और इधर क्या बचा रूट टू कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सॉल्व कर दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ गया
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ टेन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी शो दैट ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स अपॉन में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करना है, एल से साइड ले चलो पहले, उसमें क्या करो कॉस एक्स का कॉस एक्स से डिवाइड कर दो सब में। तो देखो ए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स ठीक है अपॉन में ए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस का बी कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ये कॉस वाला कॉस से चला जाएगा, ए साइन अपॉन कॉस मतलब ए टेन एक्स माइनस बी ए टेन एक्स प्लस बी बगल में कर देता हूँ मैं। तो ए टेन एक्स की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन में ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन वन ए स्क्वायर बी प्लस बी अपॉन वन। इसको करो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी, यहाँ करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी। मल्टीप्लीकेशन कराओ इस वाले का ऊपर के साथ, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। ये बी से बी चला जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्रूव करना था यहाँ पे प्लस होगा, मिस्टेक है ठीक है, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा ठीक है। तो प्रूव हो गया, क्या करना है जनरली इसमें साइन एक्स दिया गया तो कॉस एक्स का डिवाइड करा देना है, कॉस एक्स का क्या करना है डिवाइड करा देना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।